हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम एनिडा के बारे में। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने एसके हेलमिंथेस तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज शुरू करते हैं एनिडा। देखिए, ये लिखा एनिडा, ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था, इसके नाम से आप लोग परिचित हैं, लैमार्क। लैमार्क ने टर्म एनिडा दिया। इन्होंने कहा कि जो ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये जो एनिडा है दो वर्ड से लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एनुलस मींस लिटिल रिंग, प्लस यहाँ पे जो लिखा है इडियोस मतलब फॉर्म, मतलब इनमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें लिटिल रिंग लाइक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब देखिए, जिसकी बॉडी है वो कैसी होगी? जिसकी बॉडी हमने पढ़ा था, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक, हमने एसके हेलमिंथेस में पढ़ा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, तो यहाँ भी उसका क्या होगा? ट्रिप्लो ब्लास्टिक यहाँ पे बॉडी पाई जाएगी। देखिए यहाँ पिक्चर्स में, देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पे जो बॉडी होगी इसकी क्या होगी? बाई लेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होगी। क्या होगी? सिलोमेट एनिमल होंगे इसमें। सिलोमेट हमने कल बात की थी, सिलोमेट्स के बारे में, सिलोमेट एनिमल्स। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में हमने देखा कि जो सिलोमेट की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो इसमें जो बॉडी की कैविटी पाई जा रही है, ट्रू सिलोम में क्या होता है, जो बॉडी की कैविटी पाई जा रही है वो दोनों तरफ से किससे कवर होगी? मेसोडर्म से। पर जो सीडोसिलोम था उसमें एक ही साइड से कवर था, किससे? मेसोडर्म से, और एक साइड हमारा एंडोडर्म था। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते आ रहे हैं टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन टिश्यू लेवल। तो यहाँ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? यहाँ का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी जो बॉडी होती है इन एनिलिड्स की वो क्या होती है? इलॉन्गेटेड विद सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी क्या होगी इसमें सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। इन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? मेटामर्स कहते हैं किसको? ये सेगमेंट्स होती है। देखिए पिक्चर में यहाँ पे देख रहा है कि बॉडी क्या है, इलॉन्गेटेड है, और यहाँ पे सेप्टा में डिवाइड है, और जो ये सेप्टा में डिवाइड होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है सेगमेंट लाइक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। देखिए नेक्स्ट, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाया जाता है वो या तो पैरापोडिया होगा या तो क्या होगा, या तो सीटा। क्या होगा? लोकोमोटरी जो ऑर्गेनल्स होगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स में क्या है? सीटा और पैरापोडिया। देखिए यहाँ पिक्चर्स, देखिए इस पिक्चर में सीटा और पैरापोडिया का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो सीटा होगा वो किसमें पाया जाएगा? वो हमारा जो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें, फेरिटिमा में, मतलब अर्थवॉर्म में, और जो पैरापोडिया है वो नेरिस में पाया जाएगा, अभी क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम। देखिए इसके बाद इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कम्प्लीट है, मतलब इसमें कम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, माउथ पाया जाएगा और एनस पाया जाएगा। जिसमें रिस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है?
रिस्पायरेशन जो इसमें होता है, रिस्पायरेशन जो होता है इसमें, जो मॉइस्ट इसकी बॉडी वॉल होती है, मॉइस्ट बॉडी वॉल के थ्रू। ये जनरल करेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ये देखिए जनरल करेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, और इसकी जो पूरी नोट्स है वो डुमर टेलीग्राम का चैनल है इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी, उस पर जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्लोज टाइप मतलब जितने भी इसमें जो बॉडी के फ्लूइड होगा, जो इसमें ब्लड होगा, वो क्या होगा, वो वेंस के, वो वेसल्स के थ्रू ही क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इसमें जो रेड ब्लड पाया जाता है, क्यों रेड ब्लड जानते हैं आप किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए इसमें, हाँ पर इसमें जो RBCs होती हैं वो क्या होती हैं, वो अब्सेंट होती हैं, RBCs अब्सेंट। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है, ये प्लाज्मा में ही क्या होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा में ये क्या होता है, डिजॉल्व। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे। देखिए उसके बाद इसमें जो इसका डेवलपमेंट होता है वो एक कंडीशन आती है, लार्वल कंडीशन में बन सकता है और एग से डायरेक्ट भी एडल्ट बन सकता है, दोनों देखते हैं। देखिए जो एग होगा वो लेट किया जाएगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ऊथिका और कोकून, और कोकून के फॉर्म में लेट किया जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, और उससे ही जैसे हम एग्जांपल अभी पढ़ेंगे अर्थवॉर्म में वहाँ देखेंगे। और इसमें एक लार्वा फॉर्म होता है किसी इसमें स्पीसीज में, लार्वा क्या कहते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इसमें क्या बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा। जी ट्रोकोफोर लार्वा दिखता कैसा है, देखिए ये ट्रोकोफोर लार्वा हमने पढ़ा वो दिखता कैसा है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है ये ट्रोकोफोर लार्वा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो फाइलम हमारा एनिडा है उसको चार क्लास में डिवाइड किया गया है, वो चार क्लास कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। वो चार क्लास देखते हैं यहीं पे अभी हम। देखिए जो पहला क्लास हमारा है वो है हमारा पॉलीकीटा। इस पॉलीकीटा में इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन हमने पढ़ा इसमें पैरापोडिया विद सीटा पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गन्स, पैरापोडिया पाया जाएगा। और इसमें जो लार्वल स्टेज क्या होगी, लार्वल स्टेज होगी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, नेरिस। देखिए यहाँ पे नेरिस की पिक्चर, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है नेरिस। जो नेक्स्ट इसका है ओलिगो कीटा। इसमें क्या होगा, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गनल पैरापोडी नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा क्या, इसमें पाया जाएगा सीटा इसमें पाया जाएगा। और जिसमें नो लार्वा प्रेजेंट।
इसका एग्जांपल क्या है, इसका जो एग्जांपल होगा वो हमारा है क्या, अर्थवॉर्म या फेरिटिमा। अर्थवॉर्म देखिए, इसके बाद आता है हीरोडिनिया। ये इस हीरोडिनिया में आता है क्या, इसमें ना तो पैरापोडिया पाया जाएगा, इसमें ना तो सीटा पाया जाएगा, इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, और इसमें जो लार्वा होता है वो भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। नो लार्वा प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लीच या कैटल लीच, जैसे कहते हैं जोक, आप जानते हैं जोक। देखिए यहाँ पिक्चर नेरिस की आपने देख लिया, देखिए अर्थवॉर्म के, और फिर यहाँ पे लीच का यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है। फिर जो नेक्स्ट हमारा है वो है आरके, क्या है, आर्की नेलिडा, आर्की नेलिडा। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें ना तो सीटा पाया जाएगा और ना तो पैरापोडिया इसमें पाया जाएगा। इसका जो एग्जांपल है, इसमें भी जो लोको जो लो जिसमें जो लार्वा होगा वो कैसा होगा, इसमें जो लार्वा होगा वो ट्रोकोफोर लार्वा यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें, ट्रोकोफोर लार्वा यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पॉली गॉर्डियस। इसका एग्जांपल है पॉली गॉर्डियस। देखिए यहाँ पॉली गॉर्डियस की पिक्चर, ये देखिए यूजुअली क्या होते हैं, यूजुअली मेराइन होते हैं, और इसके जो प्रोस्टोमियम है उस पर 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, किसमें, ये आर्किनिडा का जो एग्जांपल है पॉली गॉर्डियस। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, एक्सेक्ट्रा लिख देते हैं इसमें जो हमें पढ़ना है वो। अब देखिए हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में है नेरिस, हमारे सिलेबस में है अर्थफॉर्म, हमारे सिलेबस में है लीच या हीरोडिनेरिया, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसको हम एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। देखिए इन इस वीडियो की तो पूरी जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी नाम से सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट भी इसकी नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।